प्यारे बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अभी तक जो है सॉल्यूशन के कंसेप्ट पे बहुत सारी बातें की, और अक्सर शिकायत कुछ आती है कि सर आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे नहीं बताते कुछ भी। तो मैं इस कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए अब शुरुआत कर रहा हूँ एक सीरीज, वो भी साथ साथ में थोड़ा बहुत मैं डालता रहूंगा। अब मैं वेंटर फैक्टर जो प्रीवियस टॉपिक सॉल्यूशन में भी आपने खत्म किया है उससे कुछ थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ताकि आप जेईई मेंस के लिए खासकर या नीट एग्जाम के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने जेईई नीट लिखा भी है यहाँ पे, पहली बात अभी आई का फॉर्मूला आप समझ जाइए कि ऑब्जर्व क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो आपने आई के बी एम इस्तेमाल किया, तो मोरलिटी के अंदर मोलर मास नीचे की तरफ, इसका मतलब डेल्टा टी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि मोलर मास जो है आपका थ्योरेटिकल का ऊपर हो जाएगा, ऑब्जर्व का नीचे हो जाएगा, तो मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। ये मोलर मास थ्योरेटिकल का मतलब है मोलर मास जो ओरिजिनली सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूट के अंदर जो रियल में ऑफ सॉल्यूट जो ओरिजिनली सॉल्यूट का अपना होता है। ऑब्जर्व का मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो वो एसोसिएट करता है या डिसोसिएट करता है उस कंडीशन में, ऑब्जर्व को ही हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम एबनॉर्मल मोलर मास। इसी फॉर्मूले को मोलर मास को आप वेपर डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2 गैस। इस फॉर्मूले से 11th क्लास का कांसेप्ट है, जहां से हम मोलर मास किसी भी अननोन सब्सटेंस का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी, खासकर गैसेस मॉलिक्यूल के लिए। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा वेपर डेंसिटी ऑफ थ्योरेटिकल, हमने मोलर मास को फिर वेपर डेंसिटी से रिप्लेस किया, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, फिर यहाँ पे इसी को डेंसिटी ऑफ थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व कह सकते हैं। वेंटर फैक्टर का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद, या फिर डिवाइडेड अपॉन मोलर मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इनिशियली टेकन, हम ये बात कर सकते हैं। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है आपस में, इस पे न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। देखिए कैसे करते हैं, एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिख रखा है, PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मैक्सिमम इज 100 गिवन है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर रहा है, ये हमारा मेन सवाल है। इस सवाल को हम इसी फंडे से फंडामेंटल बेसिक से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल जो गिवन है, सॉरी थ्योरेटिकल हमारे पास ऑब्जर्व्ड गिवन, इस सवाल के अंदर हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड गिवन है, हमें थ्योरेटिकल का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू होगा आपके पास मोलर मास अपॉन 2, हाइड्रोजन गैस का 2 वैल्यू पुट करते हैं, PCl5 का मोलर मास क्या होगा आपको वैल्यू, इसकी वैल्यू अराउंड 104.2 के करीब आएगी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5, फिर हम इससे वेंटर फैक्टर आई निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमने देखा थ्योरेटिकल की वैल्यू हमारे पास आ गई 104.25 अपॉन 100, आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1.0425 आ जाएगा, हमने आई निकाली। अब हमें अल्फा निकालना है, तो आई इज अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आई इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिराइव करके बता चुका हूँ आपको। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने में टूट रहे हैं, एम इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू। ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो जनरल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, खासकर एन फैक्टर्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एसोसिएट होते हैं उस पर बात की जाती है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन मतलब घटेगा बढ़ेगा क्या होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। हमने कॉपर सल्फेट लिया, पहले इसको ब्रेक किया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमें नजर आया CO2 प्लस SO42 में, दैट इज एम इज इक्वल टू 2 नजर आता है। अगर कॉपर सल्फेट में आप अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका फॉर्मूला CuNH3O4SO4, मुझे पता है आपको अभी क्लियर नहीं होगा, बट अपकमिंग वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ाया जाएगा तो वहां चीजें क्लियर हो जाएगी। आप ये समझ जाइए जो ब्रैकेट के इनसाइड जाता है वो आयनाइज नहीं होता, अंदर वाले बाहर वाले आयनाइज होते हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है, सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपके पास SO42- है और सेकेंडरी वैलेंसी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर वाला नॉन आयनाइजेबल होता है और बाहर वाला आयनाइजेबल होता है। हमने आयनाइज किया, SO4 पे 2 माइनस दिया, हमने यहाँ पे SO4 में कम 2 माइनस एंड इसमें कम 2 प्लस, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 प्लस 1 2 हो गए, 2 पार्टिकल थे। पहले भी सॉल्यूशन में आए तो यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टिकल थे, इसका मतलब दोनों केस में m की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कोई। अच्छा देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ Ag2 मर्करी आयोडाइड डाला गया आपके पास पोटेशियम, ये याद रखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली वी डिसोसिएट बहुत कम करते हैं ना के बराबर करेंगे, और पोटेशियम एडेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज हो सकता है, ब्रेक कर सकता है सॉल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन क्वालिटी, वही सेम सवाल घटेगा बढ़ेगा।
टू के आई हमने लिया एच जे आई टू, टू के आई को अगर आप ब्रेक करेंगे टू के प्लस टू आई माइनस, यहाँ पे मतलब चार आयंस हो गए, चार पार्टिकल हो गए, इसको आप नहीं भी माने तो चलेगा, या पांचवा पार्टिकल भी पा सकते हैं। अगर ये कंबाइन करते हैं फॉर्म पार्टिशन कंपाउंड जाते हैं के टू एच जे आई फोर, जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि ब्रैकेट के बाहर वाले आनाइज होते हैं, अंदर वाले आनाइज नहीं होते, तो टू के प्लस एन एच जे आई फोर टू माइनस टू के प्लस का टू माइनस चार्ज अपोजिट चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ थ्री नजर आएंगे, यहाँ फोर था, तो जाहिर सी बात है कि पहले के रेस्पेक्ट में पार्टिकल कम हो गए, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने पहले लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी बढ़ेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिक्रीज करेगी सॉल्यूशन में जाने के बाद, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे आप कमेंट सेक्शन पे जरूर जाएं और लिखिए बताएं कि आपको और भी ऐसे सवाल चाहिए, तो मैं जरूर आने वाले अपकमिंग वीडियोस में अप्लाई करूंगा, देने की कोशिश करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो जेईई में नीट्स में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप से आते हैं, ये सवाल जितने भी थी पूछे गए ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं, जेईई में भी और नीट दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। Thank you.